तो नहाए खाए के साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। बाजार भी छठ पूजा को लेकर गुलजार हैं। हम आपको अब जमशेदपुर के बाजार की रौनक दिखाते हैं, वहां कैसी छठा नजर आ रही है। सहयोगी हमारी अनी अमृता लगातार वहां से बनी हुई है, सीधे रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का। अनी देखिए, छठ के बाजार को लेकर जो सजा है वो काफी गुलजार नजर आ रहा है, क्योंकि अब जब सरकार ने भी ये संशोधन करके जो नया गाइडलाइंस दिया है उसके बाद थोड़ी और रौनक देखने को मिल रही है और बाजार भी काफी तैयार हैं छठ व्रतियों के लिए। बिल्कुल आरती, देखिए बारीडीह में मैं खड़ी हूँ। ऐसे तो जो मुख्य बाजार है जमशेदपुर में छठ का, वह साक्षी बाजार, और वहाँ पे आपको तिल भरने की जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ पर ये बारीडीह बाजार है, आप देखिए जो तमाम सामग्रियां हैं छठ की वो सभी बिक्री हो रही है। बाजार जो है गुलजार है, हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो खरीदने भी आए हुए हैं सामान को, लगातार देखिए लोग खरीदते रहते हैं। चूल्हा खरीदना होता है, चूल्हे पे ही बनता है सब जितना प्रसाद है, और जो उसके जो फल सामग्रियां रहती है, ईख है, कई घरों में जो है वो कोसी भरा जाता है तो ईख लेना पड़ता है, सूप है, दौरा है, दिए हैं, कई सारी सामग्रियां होती हैं, और इसी के माध्यम से परिवार के सब लोग मिलकर ये कार्य करते हैं, तो बड़ा एक अद्भुत समय बनता है आरती। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि छठ महापर्व में चूंकि अब गाइडलाइन में संशोधन हो गया है, तो इस क्षेत्र में सक्रिय कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे है, जो काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं और कई गरीबों के घर में इनकी मदद से छठ होता है। तो अब जब संशोधित गाइडलाइन आ गया तो हम इनसे बात करते हैं कि अब क्या रौनक है, क्या कुछ बदलाव है, पहले जब थोड़ी कड़ाई थी तो क्या दिक्कत आती और अब क्या सही हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता दोनों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के एक सकारात्मक सोच के कारण समाज में जो एक टकराव की स्थिति बनी थी, जो ऐसा लग रहा था कि जनता और जनता के चुनी हुई सरकार के बीच में टकराव हो गया है। एक तरफ आम जनमानस इस जिद पर था कि हम छठ करेंगे, हम जाएंगे घाट पर, और सरकार का गाइडलाइन था कि नहीं जाना। तो ऐसे में टकराव का जो माहौल था आपने उसको टाला और आपने दोनों को के बीच का एक रास्ता बनाया। आप बोलना यार, छठ व्रत करने वाले लोगों से भी कहते हैं कि सरकार ने जब लचीला रुख अख्तियार किया है तो अब आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि सरकार का जो गाइडलाइन है, सरकार ने जो मार्गदर्शन दिया है, आप उस मार्गदर्शन का पालन करें। जिनके पास सुविधा नहीं है वही नदी किनारे जाएं, और आप मास्क और सैनिटाइजर के साथ जाएं ताकि महामारी से भी बचा जा सके। रौनक की बात है तो आज से हम लोगों का पूजा त्योहार शुरू है। आज हम लोग नहा खा बोलते हैं, जिसमें लोग लौकी का और भाग का सेवन के साथ आज से व्रत का शुरुआत होता है। तो रौनक बाजार में सरकार के इस घोषणा के बाद ओपन होकर के आई है। लोग इधर उधर अपने स्तर पर तैयारियां तो कर रहे थे, मैं भी सुबह से आज 6-7 घाटों पर लगा हुआ था। आप देख रहे हैं जूता उता सब बने मट्टी से सना हुआ है, तो साफ सफाई में लगे हैं हम लोग, प्रशासन का भी सहयोग ले रहे हैं, और यहाँ जो कंपनियां हैं उन कंपनियों की भी मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द इन घाटों को सुसज्जित किया जा सके। आप देखेंगे हम लोग यहाँ खड़े हैं, बगल में घाट है छठ का, वहाँ भी हम लोग जो है ये सब अब तैयारी चालू किए हैं कि हाँ जल्दी से जल्दी इसको रेडी किया जा सके। और चूंकि हर वर्ष यहीं पर जहाँ आप खड़ी हैं, हम लोग यहाँ से हजारों लोगों के बीच में निःशुल्क बांटते हैं, वितरण करते हैं प्रसाद, लेकिन इस साल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसलिए हम लोगों ने वो कार्यक्रम नहीं करके लोगों के बीच में मैसेज कराया पहले से कि भाई जिसको असुविधा है आप सूचना दीजिए, हमारे वॉलंटियर हमारे कार्यकर्ता सीधे आपके घर जा करके आपको पहुंचा करके आएंगे। बिल्कुल अनी, और ये तैयारियां इसलिए की गई हैं ताकि ये महापर्व भी संपन्न हो अच्छे तरीके से और साथ ही साथ लोगों को संक्रमण से भी बचाया जा सके। और कुछ इस तरह से अगर जो राजनीतिक दल हैं, अगर उनके कार्यकर्ता सामने आते हैं या फिर सामाजिक संगठन आके आते हैं तो ये, और ये तो महापर्व छठ की महिमा ऐसी है कि हर धर्म हर संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। लौटेंगे आपके पास हम अनी, रुक कर लेते हैं देवघर का भी। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जैसा कि आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं लग रहा है कि आप किसी छठ व्रती के साथ हैं और आज नहाए खाए से शुरुआत हो चुकी है महापर्व की, क्या कुछ तस्वीरें दिखाएं।
बिल्कुल आपने अपने सही कहा, आस्था का महान पर्व जो छठ है आज से एक तरह से प्रचारिक रूप से शुरू हो गया। बाजार तो कल हुआ था लेकिन आज जो बनना शुरू होता है प्रसाद का जो पकवान हम कह सकते हैं, तो आज और इस वक्त हम लोग वहाँ हैं जहाँ एक घर के पूरे परिवार के सदस्य पूजा करें, महिलाएं बना रही हैं प्रसाद, और जो सबसे घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला है, जो दादी है हम कह सकते हैं, वो गाना भी गा रही हैं। और एक बार हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे क्या कुछ आज बन रहा है और आज के दिन क्या बनने की परंपरा है। सीधे हम बात करते हैं, क्या आज क्या अभी क्या चल रहा है? अभी आज नहाए खाए का कद्दू भात बस खाना बन रहा है, चना दाल कद्दू का सब्जी चावल ऐसा, आज इसी का भोग लगता है भगवान जी को। आलू गोभी का सब्जी, और क्या क्या है? आलू गोभी का सब्जी है, कद्दू है, चना दाल है, अरवा चावल है, इसी का खाना आज नहाए खाए हुआ है। घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य महिला हम माता जी से बात करें, माता जी एक बार गाना जरा जो है यहाँ का जो छठ में गाया जाता है। हाँ, सवा अपना ल मांगीला आना धन लक्ष्मी जनामा जनामा आई बात छठी मैया दर्शन दी नया पान छठी मैया सभा बैठन को बेटा मांगीला सभा बैठन को बेटा मांगीला भना सकरन के पतो छठी मैया दर्शन दी नया पान। यही अमूमन नजारा है यहाँ सभी घरों का जहाँ पर यही खासियत है मनीष, इस महापर्व की खासियत ये है कि परंपरा और ये जो लोक गीत है ये इस पर्व को और विशेष बनाते हैं, और खास करके ये नई पीढ़ी जो जुड़ती है, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से अवगत भी कराता है ये पर्व कि देखिए हमारा हमारी जो परंपरा है वो कितनी समृद्ध है, जो रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं सदियों से इस धर्म में वो किस तरह से आगे के जो जो नई जनरेशन है वो कैसे इस चीजों को आगे लेकर जाती है। और ये लोकगीत अगर मैं कहूँ गलत ना हो तो जिस तरह से पूजा की शुरुआत होती है आज नहाए खाए, लेकिन काफी दिनों पहले से ही जब ये छठ गीत गूंजने लगते हैं उस वक्त से पूरा माहौल छठमय हो जाता है। हम लौटेंगे आपके पास मनीष, हमारे साथ लगातार अनि अमृता भी जुड़ी हुई हैं जमशेदपुर से, एक बार और रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का। अनि देखिए घरों में तो गीत छठ माँ के गीत बज रहे हैं, महिलाएं गा भी रही हैं और इस पर्व की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से आप बातें कर रही थी कि सामाजिक संगठन भी निकल कर सामने आए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये एक बेहतर पहल है कि आप भीड़ भाड़ में ना जाएं, जिन्हें भी जरूरत है अगर आप सिर्फ मैसेज करते हैं टेक्स्ट करते हैं तो आपके घर पर वो सामग्री पहुंचा दी जा रही है। बिल्कुल, अभी आनंद बिहारी दुबे वही बता रहे थे जहां मैं खड़ी हूं आरती, यहां से हजारों की संख्या में निशुल्क वितरण होता था, और वही आनंद दुबे जी बता रहे थे कि इस बार उन्होंने जिन्होंने मैसेज दिया है सिर्फ उनको पहुंचा दिया है ताकि किसी तरह की भीड़ न लगे। अब जब सरकार ने संशोधित कर दिया गाइडलाइंस में और ये अपील भी कर दी है, छूट भी दे दी है, तो लोगों का भी फर्ज है कि वो जिनके पास सुविधा है वो अपनी सुविधा का इस्तेमाल करते हुए घाटों पर ना जाए, अपने घरों में करें। और आरती में बता दूं कि हम लोगों ने जो कल रिपोर्ट भी बनाई, लॉ नगरी के ज्यादातर लोग जिनके पास थोड़ी भी सुविधा है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो घर पर ही पास में गड्ढे खोद लें और या फिर दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था के साथ वो अर्घ दे, और खुद ही लोग काफी डरे हुए हैं, सावधान भी हैं कोरोना को लेकर, तो इसलिए वो सरकार का धन्यवाद भी दे रहे हैं और वो पूरा सहयोग भी करेंगे। तो आम व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं है वही घाट पे की ओर जाएगा। चलिए तो ये महापर्व इस अनुष्ठान को संपन्न कराने में कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई मायने नहीं रखता, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। और ऐसे छठ व्रतियों की मदद के लिए जो तमाम जो सामाजिक संगठन है या फिर राजनीतिक दल है वो भी बढ़ चढ़ कर आके आते हैं, और ये वाकई एक सराहनीय पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका और अन्य अमृता हमारे साथ जुड़ने के लिए।